Hello dear students, good afternoon, my name is Shahid. So today we are going to discuss some numerical problem on the Bernoulli equation. And earlier I have taught you already about the Bernoulli equation derivation. Okay, so first, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Bernoulli equation को समझने की कोशिश करते हैं इस problem को solve करने के लिए. Okay, तो सबसे पहले हम Bernoulli equation को पहले समझ लेते हैं जो हम लोगों ने already discuss किया था, उसके बाद फिर हम problem पढ़ेंगे, problem को समझेंगे, फिर इसे हम discuss करेंगे. चलिए, तो बनवाली क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिराइव किया था, वो क्वेश्चन क्या थी? इक्वेशन थी आपकी p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? जब इक्वेशन थी तो इक्वेशन क्या कह रही है, द समेशन ऑफ ऑल द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड रिमेंस कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कॉन्स्टेंट रहने वाली है. लेकिन ये क्या है, तीनों अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो तीनों ही एनर्जी म्यूचुअली कन्वर्टेबल, यानी कि म्यूचुअली आपस में कन्वर्ट हो सकती है एक दूसरे में. अगर एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, या अगर एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी. ठीक है, तो तीनों ही एनर्जी आपस में म्यूचुअली कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन आपकी जो तीनों एनर्जी का जो सम है वो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगा. तो इसमें समझने के लिए एक काम करते हैं, यहां पर सपोज है दिस इज आवर गैटर लाइन, गैटर लाइन दैट मींस ग्राउंड, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है. सपोज दैट दिस इज अ पाइप, और यहां पर क्या हो रहा है, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो अगर हम देखना चाहें यहां पर एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है, या फिर हम यहां पर एनर्जी को कैसे समझे, इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो सपोज दैट हम इस पाइप पर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शन यहां पर कंसीडर करेंगे, सेक्शन नंबर वन, एक सेक्शन सपोज दैट हम यहां पर कंसीडर करेंगे सेक्शन नंबर टू. तो हम देखेंगे इस सेक्शन पर आपकी जो वाटर फ्लो हो रहा है उस पर उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है. तो सपोज दैट यहां पर वाटर का प्रेशर आपका पी वन है. ठीक है, यहां पर वाटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी वन है, और इस पाइप के सेंटर लाइन की जो हाइट है वो इस ग्राउंड लेवल से जेड वन. ओके, सिमिलरली यहां पर इस पॉइंट पर सपोज है वाटर का जो प्रेशर है वो आपका पी टू है, देन वेलोसिटी वाटर की इस डायरेक्शन में वी टू है, और यहां तक इस पाइप के सेंटर लाइन तक की जो डिस्टेंस है, हाइट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, दिस इज जेड टू. तो इस कंडीशन पर आप इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को आप लिखेंगे, तो देखिए यहां पर प्रेशर कितना है P1, तो यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी, P1 अपॉन रो. रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी जो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है. ओके, सो डेंसिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने अजम्पशन देखे थे, कि वहां पर एक अजम्पशन क्या था आपका, दैट फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल. तो इक्वेशन अप्लाई करने से पहले आप ये देखें कि जो यहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या है, वाटर है. ओके, तो वाटर इज ट्रीटेड एज एन आइडियल फ्लूइड, दैट इज दिस इज आल्सो अ नॉन विस्कस फ्लूइड एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. तो इसलिए ये इक्वेशन यहां पर कह रही है. ओके, तो यहां पर प्रेशर आपका हो गया P1, तो इस यहां पर प्रेशर हेड कितना हो गया आपका P1 अपॉन रो जी, एंड प्लस यहां पर वेलोसिटी कितनी है V1, यहां पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी V1 स्क्वायर अपॉन 2g, देन प्लस यहां पर इसकी हाइट कितनी, पोटेंशियल हाइट कितनी है, जेड वन, दैट इज जेड वन. ओके, इज इक्वल. तो आप समझिए इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे. इस इक्वेशन का कहने का मतलब है कि इन तीनों एनर्जी का जो सम है वो कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे वो सेक्शन वन पर हो चाहे वो सेक्शन टू पर हो. तो अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन आगे बढ़ गया तो जितनी एनर्जी इसके पास सेक्शन वन पे थी उतनी एनर्जी इसके पास सेक्शन टू पे ही होगी, देन दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो यहां पर देखिए ये हो गई एनर्जी एट सेक्शन वन, अब देखते हैं एनर्जी एट सेक्शन टू क्या होगी, और दोनों एनर्जी क्या होनी है, बराबर होनी है एज पर दिस लॉ. ओके, तो यहां पर देखिए प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, P2 अपॉन रो जी, दिस इज प्रेशर हेड, देन वेलोसिटी V2, दैट इज V2 स्क्वायर अपॉन 2g, देन पोटेंशियल हाइट z2. ओके, ठीक, तो दिस इज द इक्वेशन. ओके, तो यहां पर दिस इज टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड दिस इज टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो दिस इज व्हाट बर्नौली इक्वेशन वाज सेइंग. ओके, अब देखिए जैसे कि अगर हम रियल फ्लो प्रॉब्लम अगर हम कंसीडर करें, तो आपको पता है कि वाटर को अभी हम ट्रीट कर रहे हैं एज एन आइडियल फ्लूइड, यानी कि वाटर नॉन विस्कस भी है इनकंप्रेसिबल भी है. ठीक है, लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या ये पूरी तरह से नॉन विस्कस है, नहीं,
इसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, माना कि बहुत कम होती है, दैट इज 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ ना कुछ विस्कस फोर्सेस होंगे। तो विस्कस फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि वो जब किसी वाटर को या फिर किसी फ्लूइड को हम फ्लो कराना चाहते हैं तो उस फ्लो के अगेंस्ट वो फोर्स वर्क करता है। इसका मतलब है कि वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी कि जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे कुछ ना कुछ वाटर की जो एनर्जी है वो क्या होगी, होगी कम होगी, तो यानी कि यहां पर एनर्जी कम बची हुई होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीली बैलेंस करना चाहें तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट में हमें जो हुए लॉसेस है वो लॉसेस को इस पार्ट में कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि हम इस इक्वेशन को अगर रियल बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडियलिस्टिक से हट करके हम देखेंगे कि यहां पर आपका एक लॉस कंसिडर होगा। ठीक है, जैसे कि आप इसे आसान हिसाब समझे, आप यहां से 100 रुपीज लेकर के निकले थे, लेकिन आपको पता है कि रास्ते में जाने पर पेट्रोल खर्च होगा, उनमें कुछ खर्च हो जाएंगे, तो यहां पर जाते हैं आपके पास 90 रुपीज ही बचेंगे, तो ये 100 = 90 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको जो एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ट्रीटेड एज हेड लॉस, क्योंकि आप इन्हें क्या कहते हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, सिमिलरली दिस इज लॉस, तो हम इसे क्या कहेंगे, हेड लॉस कहेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसे रियल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए फिर आपके लिए जरूरी नहीं होगा कि आप सारे एजम्पशंस को कंसिडर करें, जो कि एजम्पशंस एक आइडियल फ्लूइड की तरफ आपको इंडिकेट करते हैं, यानी कि रियल जो फ्लूइड है आप उनमें भी इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हमें इस इक्वेशन को यहां पर इस प्रॉब्लम में भी अप्लाई करना है। ओके, चलिए हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, एट अ लोकेशन वन, एक लोकेशन वन है ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पाइप, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसपे की कोई फ्लो हो रहा है। ओके, और उसकी कोई एक लोकेशन वन है, ठीक है, तो द प्रेशर हेड इज 32 सेंटीमीटर, याद रखिए ये लिखा हुआ है प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड का क्या होता है, प्रेशर किसे कहते हैं, देखो प्रेशर हेड, दैट इज ओके, तो प्रेशर हेड को हम क्या लिखते हैं, पी अपॉन रो जी, ये दिया हुआ है आपका कितना है 32 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसके बाद लिखा हुआ एंड वेलोसिटी हेड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो और क्या दिया हुआ, वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए ये किस लोकेशन बात कर रहा है, एट अ लोकेशन वन, वन लोकेशन बात कर रहा है, यहां पर हम सफिक्स ले लेते हैं p1 एंड v1, p1 अपॉन 2g इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, देन लिखा हुआ है द रिडक्शन इन एरिया एट लोकेशन टू, यानी कि एरिया जो पाइप का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एरिया रिडक्शन हो रहा है एट लोकेशन टू, इस तरह से एरिया कम हो रहा है, इज सच दैट द प्रेशर ड्रॉप्स डाउन टू जीरो, यानी कि लोकेशन टू तक पहुंचते पहुंचते उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का वो इस तरह से कम हो रहा है कि वहां पर प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि लोकेशन टू पर क्या हुआ है प्रेशर हेड, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर हेड, कहां की बात कर रहे हैं, लोकेशन टू की, यानी कि पी टू अपॉन रो जी दिया हुआ है कितना, जीरो, ठीक है, वो यही कह रहा है कि प्रेशर आपका जीरो हो जाता है लोकेशन टू तक पहुंचते पहुंचते। ओके, तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट सेक्शन टू टू सेक्शन वन, तो ये कहता है कि आप इन गिवन डाटा के बेसिस पर आप इसको इक्वेशन अप्लाई करिए और फाइंड आउट करिए कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन पाइप की किस तरह दी हुई है, ये पाइप दिया हुआ है बिल्कुल प्योर हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है, तो सपोज है दिस इज अ पाइप और इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके, और इस पाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर सपोज है आपका जो ग्राउंड लेवल है दैट इज रेफरेंस डेल्टा नाइन, जहां से आप पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करने वाले हो वही यहां पर, ठीक है, तो इस पाइप पर हम देखें, इस पाइप के बिल्कुल सेंटर पर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके ग्राउंड लेवल से आप सेंटर तक इसकी मेजर करेंगे इसकी पोटेंशियल हाइट, तो सपोज है दिस इज योर सेक्शन वन एंड दिस इज योर सेक्शन टू, ओके, तो यहां तक इसकी हाइट पोटेंशियल हाइट सपोज है जेट वन है और यहां तक इसकी पोटेंशियल हाइट सेक्शन टू पर जेट टू, ओके, तो यहां पर भी इक्वेशन आपको बिल्कुल सेम वैसे ही अप्लाई करनी है जैसे आपने पहले किया था। और ये बात ध्यान रखें, जो हमने लास्ट टाइम अभी हमने देखा था कि हमने एक हेड लॉस को कंसिडर किया था, यानी कि लॉसेस कंसिडर किए थे, तो ये बात याद रखिए, जब तक
क्वेश्चन में लॉसेस कंसीडर करने के लिए नहीं दिया है, तब तक आप लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी तरह के लॉस की बात नहीं किया है, इसका मतलब हमें कोई भी लॉस कंसीडर नहीं करना है, हमें विदाउट कंसीडरिंग लॉस प्योर आइडियल प्योर आइडियल कंडीशन पे इसको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ओके, तो देखिए जरा इसी क्वेश्चन पर इस प्रॉब्लम पर आप इन सारी चीजों को अप्लाई करिए। देखिए इन सारी चीजें यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बनवानी क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए बनवानी क्वेश्चन आपकी क्या होगी, इस पॉइंट पर आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू इस पॉइंट पर एनर्जी दैट इज पी टू अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू। ओके, यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि ये पाइप प्योरली हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि जो इसकी पोटेंशियल हाइट है एट सेक्शन वन एंड एट सेक्शन टू बोथ आर सेम, दैट मींस जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। ओके, तो जब जेड वन जेड टू दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि हम यहां पर क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचे क्या गिवन वैल्यू बचेगी, तो हम इसी क्वेश्चन पर ये सारे गिवन वैल्यूज को रख लेते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन निकल कर आ जाएगा। चलिए, तो P1 अपॉन रो जी की वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, P1 अपॉन रो जी इज 32 सेंटीमीटर, राइट, 32 सेंटीमीटर प्लस V1 स्क्वायर अपॉन रो जी कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, सभी यूनिट सेम है तभी हम इसे ऐड कर पा रहे हैं, अगर यूनिट सेम नहीं होती तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती कि हम इन सबकी यूनिट सेम करें, सो अभी हम यूनिट सेम करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन इसके बाद जेड वन जीरो हो चुका है इज इक्वल टू पी टू अपॉन लॉजी, तो पी टू अपॉन लॉजी दिया हुआ है क्या आपका जीरो। ओके, अच्छा पी टू अपॉन लॉजी किस सेंस पर जीरो दिया हुआ है, वो ये कह रहा है कि जब हम लोकेशन वन से लोकेशन टू की तरफ जाते हैं तो पाइप का जो फ्लो एरिया वो इस तरह से कम होता है कि पॉइंट टू तक पहुंचते आपका प्रेशर जीरो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया थोड़ा गलत बना हुआ है। एक्चुअली आपको इसको कैसा बनाना चाहिए, जो पाइप है आपका उसका एरिया कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एरिया ज्यादा है और जैसे आप सेक्शन टू तक पहुंचते हैं उसका एरिया क्या हो चुका होता है, कम हो चुका होता है, यानी कि दिस इज कन्वर्जिंग फ्लो चैनल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ्लो एरिया पाइप का ज्यादा है, यहाँ पर फ्लो एरिया पाइप का कम है, तो ये चीज हमें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ओके, देन इसके बाद देखिए इसका वी वन स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी यहाँ पर हम वी टू लिखेंगे, वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर वी टू अपॉन टू जी क्या हो गया जीरो, देन वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, ओके, देन जेड टू आपका जीरो हो चुका है। देखिए आपका वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी विल बी इक्वल टू 32 प्लस 4 36 व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी सेंटीमीटर, राइट। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, डिटरमाइन और फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट सेक्शन 2 टू वेलोसिटी एट सेक्शन 1। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2 एंड दिस इज वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1। ओके, तो आपको रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि v2 स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन v1 स्क्वायर अपॉन 2g, ये कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 2g 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या v1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू क्या है, v2 स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू है 36। ओके, 36 अपॉन व्हाट, 36 व्हाट सेंटीमीटर। ओके, देन v1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू क्या थी, ये थी 4 सेंटीमीटर, इट अपॉन 4 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यूनिट कैंसिल हो जाएगा, देन इससे आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 9 36। ओके, यहां पर देखिए v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, यानी कि हम इसका होल का स्क्वायर कर सकते हैं, v2 अपॉन v1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां पर देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1 इक्वल टू अंडर रूट 9 दैट इज 3। ओके, तो यहां पर ये आपको फाइनल आंसर है दैट रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट सेक्शन 2 टू रेशियो टू वेलोसिटी एट सेक्शन 1 इज व्हाट 3। ओके, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट सेक्शन 2 एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 1 इज व्हाट 3। ओके, दैट्स इट, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड सिमिलरली ऑल द प्रॉब्लम्स आर रिलेवेंट विद द सेम फैक्ट एंड द सेम कांसेप्ट। ओके, सो आई थिंक दिस वाज वेरी इजी प्रॉब्लम, in the next video we will discuss another problem. Okay, thank you.